सो गाइस, जो नेगलिजेंस का टॉपिक है, इसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। रीज़न बिकॉज के जो टॉर्ट इवॉल्व हुआ है वो खुद नेगलिजेंस के फॉर्म में इवॉल्व हुआ है। और इसके अलावा अगर हम देखें एक लिहाज से, तो नेगलिजेंस के केसेस बाकी टॉर्ट्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो टर्म नेगलिजेंस से, ये डराइव होता है एक लैटिन टर्म नेगलिजेंशिया से, जिसकी मीनिंग है केयरलेसनेस, या फिर हम एक तरह से कह सकते हैं लापरवाही। तो अगर आपकी लापरवाही की वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है, तो हम ये बोलेंगे कि आपकी नेगलिजेंस की वजह से किसी को नुकसान हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि आपने नेगलिजेंस कमिट किया। अब नेगलिजेंस के कई तरह के एग्जांपल्स हो सकते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि नेगलिजेंस की जो लीगल डेफिनेशन है, उसकी माने क्या है। लीगल डेफिनेशन के हिसाब से अगर तो आप अपनी लीगल ड्यूटी को ब्रीच करते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी को इंजरी काज होती है, तो आप नेगलिजेंस कमिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ हुआ, लीगल ड्यूटी टू केयर। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखिए, लॉ ने हम सब पर एक ड्यूटी इम्पोज की है, जिसके अंडर हम बाउंड है कि हम अपने एक्ट्स और ओमिशंस को इस तरह से परफॉर्म करें कि हमारे एक्ट्स की वजह से किसी दूसरे शख्स को नुकसान ना हो। तो जब आप अपने एक्ट्स ओमिशन को केयरफुली परफॉर्म नहीं करते, यानी केयरलेसली परफॉर्म करते हैं, इन अदर वर्ड्स आप अपनी ड्यूटी को ब्रीच करते हैं जब, और उसकी वजह से किसी को इंजरी काज होती है, तो आप नेगलिजेंस कमिट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो नेगलिजेंट पर्सन होता है, वो अपने एक्ट को इस तरह से परफॉर्म नहीं करता जिस तरह से एक आम, नॉर्मल और समझदार इंसान उस एक्ट को परफॉर्म कर पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि आम समझदार इंसान रोड पर किस तरह से कार चलाता है। वहीं पर अगर बात करें नेगलिजेंट पर्सन की, तो वह कई तरह के मिस्टेक कर सकता है, रेश ड्राइविंग कर सकता है जिसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचे, सिग्नल जंप कर सकता है। इसके अलावा गाइस, आप आगे चलकर और भी कई तरह की टॉर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक डेफेमेशन, न्यूसेंस। तो ज़्यादातर जो टॉर्ट्स होते हैं, वो किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, और उसी की वजह से वो जाने जाते हैं, एक्सेप्ट नेगलिजेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो डेफेमेशन है, वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेपुटेशन देता है, यानी कोई भी आपको डिफेम करेगा, आपको डिफेमेशन, लॉ ऑफ डिफेमेशन के जरिए प्रोटेक्शन दी जाएगी, ठीक है, आपको कंपनसेशन मिलेगी उसके थ्रू। न्यूसेंस, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरफेरेंस देता है, इसी की वजह से ये जाना जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें नेगलिजेंस की, तो ये टू मेन टाइप्स जो हार्म के हैं, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। इकोनॉमिक लॉस कोई आपको हो रहा है, उसके अगेंस्ट आपको रेमेडी देगा। आपको कोई पर्सनल इंजरी आई है, उसके अगेंस्ट आपको नेगलिजेंस में रेमेडी दी जाएगी। पर्सनल इंजरी में दो चीज़ें आ सकती हैं, एक है फिज़िकल इंजरी और दूसरी है मेंटल इंजरी। फिज़िकल इंजरी की बात करें, लेट्स से आपका कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें आपको बहुत से बॉडीली इंजरी से सफ़र करना पड़ा। मेंटल इंजरी की बात करें, तो हम आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, साइकेट्रिक इंजरी, जिसमें हम मेंटल इंजरी को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो भी एक नेगलिजेंस का बहुत बड़ा पार्ट है अलग से। मूविंग अहेड, अब नेगलिजेंस के कुछ एग्जांपल देखते हैं। लाइक, आप कार ड्राइव कर रहे हैं और साथ में सेलफोन भी यूज़ कर रहे हैं। अब आपको पता है कि कार चलाते वक्त अगर आप सेलफोन यूज़ कर रहे हैं, तो यू आर डूइंग केयरलेसनेस, आप लापरवाही कर रहे हैं। और अगर इस लापरवाही के नतीजे में आपने किसी और के कार पे बम्प कर दिया, किसी और का नुकसान कर दिया, तो आपने नेगलिजेंस कमिट किया, यू हैव ब्रीच योर लीगल ड्यूटी ऑफ केयर। सेकेंड एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि आप किसी फ्यूल स्टेशन यानी पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं और वहाँ पे सिगरेट पी रहे हैं। अब हर समझदार प्रूडेंट इंसान को इतना पता है कि पेट्रोल पंप पे सिगरेट नहीं पीना चाहिए। आप वहाँ पे पी रहे हैं और वहीं पे फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से अगर वहाँ पे आग लग जाती है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपने अपनी लीगल ड्यूटी को ब्रीच किया। आपकी जो जिम्मेदारी थी कि वहाँ पे आप सिगरेट ना पिए, आपने उस जिम्मेदारी से हटकर आपने केयरलेसनेस शो की, लापरवाही की आपने, जिसके नतीजे में ये सारा नुकसान हुआ, तो आप इस सब के लिए ज़िम्मेदार ठहराए जाएंगे, और जो भी नुकसान होगा वो आपसे कवर किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा। फदमो, आप जितने चाहे नेगलिजेंस के एग्जांपल बना सकते हैं, बस आपको ये शो करना है कि आपने लापरवाही की, जो एक नॉर्मल इंसान की जिम्मेदारी है, होती है, आप उससे हटकर अगर कुछ करते हैं जिसकी वजह से किसी को नुकसान होता है, तो दैट इज़ नेगलिजेंस इन सिंपल वर्ड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन ऑफ नेगलिजेंस। कुछ ज्यूरिस्ट्स हैं जिन्होंने नेगलिजेंस के लिए डेफिनेशंस दिए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन मानी जाती है नेगलिजेंस के लिए, दैट इज़ फ्रॉम सर विनफील्ड। तो इनके हिसाब से जो नेगलिजेंस है, वो तब अराइज होती है जब एक इंसान अपनी लीगल ड्यूटी ऑफ केयर को ब्रीच करता है, जिसके नतीजे में किसी और को नुकसान पहुंचता है।
नुकसान किसे पहुँचेगा, जो नेक्स्ट पार्टी है जिसे टोर्ट लॉ ऑफ टोर्ट में प्लेंटिफ कहा जाता है। डिफेंडेंट किसे कहा जाता है, जो कि टोर्ट कमिट कर रहा है, टोर्ट फीजर जिस पर इल्ज़ाम है कि तुमने टोर्ट कमिट किया उस पर उसे डिफेंडेंट कहा जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे जो ख़ास बात की है अनडिज़ायर्ड बाय द डिफेंडेंट, इससे मतलब है कि कोई भी शख्स टोर्ट जानबूझ के, कोई भी शख्स नेगलिजेंस जानबूझ के कमिट नहीं करता। नेगलिजेंस एक तरह से एक अनइंटेंशनल एक्ट है, गलती में आप कर देते हैं और आपकी इस गलती और लापरवाही की वजह से किसी और को नुकसान होता है और उन्हें सफ़र करना पड़ता है। तो दिस इज़ व्हाट इट सेज। नेक्स्ट इज़ सेलमेंट। सेलमेंट कहते हैं नेगलिजेंस इज़ कल्पेबल केयरलेसनेस। कल्पेबल से क्या मकसद है, कल्पेबल मतलब कोई ऐसा एक्ट जिसके लिए आपको ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो इन टोटल क्या मीनिंग हुई इसकी, तो सेलमेंट के हिसाब से नेगलिजेंस जो है किस तरह की लापरवाही है जिसके लिए आपको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा, यानी आप जो नुकसान करेंगे उसके लिए आपको भरपाई भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट में बात की जा रही है रेमेडी की। लेट्स से किसी की नेगलिजेंस की वजह से अगर आपको कोई नुकसान पहुंचता है, चाहे वो इकोनॉमिक लॉस हो या फिर पर्सनल लॉस हो, तो इन दोनों ही सूरतों में आपको मॉनेटरी कंपनसेशन दी जाएगी एज अ रेमेडी। मॉनेटरी कंपनसेशन मतलब कि आपको पैसे दिए जाएंगे जितना आपको नुकसान हुआ। अब आप ये सोचेंगे कि ये किस तरह से डिसाइड होगा कि आपको कितने पैसे मिलने चाहिए, तो ये डिपेंड करता है जिस शख्स ने गलती की है उसके फाइनेंशियल स्टेटस और कंडीशन पे, और साथ ही में इंटेंसिटी ऑफ इंजरी, आपको कितना नुकसान हुआ, इस पे भी डिपेंड करता है। कोई एक फिक्स्ड और स्पेसिफाइड हमारे पास लॉ नहीं है कि इस पर्टिकुलर बंदे को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इतने पैसे मिलने चाहिए, ये डिपेंड करता है। डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट भी एक तरह से आप कह सकते हैं। आई होप गाइज आई हैव मेड ऑल पॉइंट्स क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।